मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आज इस वीडियो में हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनका सेशन 21 में एमबीबीएस में एडमिशन हो चुका है, बीडीएस में एडमिशन हो चुका है, अदर कोर्स में एडमिशन हो चुका है, और उन स्टूडेंट्स के बारे में भी बात करेंगे जिनका इस साल एडमिशन नहीं हुआ है और नीट 22 एस्पिरेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनएमसी के उस नोटिस की, जिन्होंने क्लियर कर दिया है कि नीट 21 सेशन के लिए जो एमबीबीएस एडमिशन होने थे उसकी लास्ट डेट 28 अप्रैल 22 है, यानी कि 21 सेशन के लिए एमबीबीएस एडमिशन 28 अप्रैल 22 के बाद नहीं होंगे। क्लोजिंग डेट 28 अप्रैल 22 डिक्लेयर कर दी गई है एमसीसी द्वारा। तो उन स्टूडेंट्स को जो काफी ज्यादा जिनको प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि हम आपका लास्ट टाइम पर यहां पर एडमिशन दिला देंगे, वहां पर एडमिशन दिला देंगे, तो 28 अप्रैल के बाद में कोई एडमिशन नहीं होगा सेशन 21 के लिए। अब 22 के लिए जो 22 का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए 17 जुलाई डेट फिक्स हो गई है, ये सब आपको मालूम चल ही गया होगा। अब मैं उन स्टूडेंट्स को बता देता हूं जिनका 21 सेशन में एमबीबीएस में एडमिशन हो चुका है। देखो, हमारा जो काउंसलिंग का सिस्टम है इस प्रकार का ये है कि स्टूडेंट को डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिल पाती है, जो जिस कॉलेज को लेना चाहता है वो कॉलेज उसको नहीं मिल पाती है। टॉप 20 या 30 कॉलेज को छोड़ के जिन कॉलेजों में टॉप 20 या 30 कॉलेज में स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं उनको तो डिजायर्ड कॉलेज मिल जाती है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को ये काउंसलिंग का सिस्टम ही इस प्रकार का है कि वो जिस कॉलेज के लायक हैं वो कॉलेज नहीं मिल पाती है। एक तो हमारा ही सिस्टम स्टूडेंट का सीट फिल जो च्वाइस फिल करने का तरीका है वो भी इस प्रकार से है कि वो अपने खुद का ही ध्यान रखते हैं, अलग अलग जगह सीट ब्लॉक करके रखते हैं, मेरे को यहां नहीं मिली तो यहां मैं अप्लाई कर देता हूं, तो उसके कारण से भी स्टूडेंट्स को डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिल पाती है। इसमें हमने देखा ही है इस सिस्टम में, इस काउंसलिंग में ऐसा हुआ है। स्ट्रे में भी 323 स्पेशल स्ट्रे कंडक्ट करवाया गया है 323 सीटों के लिए। तो जिन कैंडिडेट को स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीटें मिली है, तो जो पहले एडमिशन ले चुके हैं उनको थोड़ा सा ये इस बात का मलाल है कि ये सीटें हमें मिलनी चाहिए थी। तो काउंसलिंग का सिस्टम इस प्रकार से है, बाकी हमारा जो च्वाइस फिल करने का तरीका सीट ब्लॉकिंग का ये सिस्टम भी ठीक नहीं है। लेकिन इन सब को दरकिनार करते हुए आप जो आपको अगर डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिली है तो भी आप अच्छा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? एमबीबीएस एडमिशन, एमबीबीएस स्टडी के दौरान आप इतनी मेहनत कर सकते हैं कि एक एम्स दिल्ली में एडमिशन लेने वाला स्टूडेंट का एडमिशन पीजी में नहीं हो पाता, आप करवा सकते हैं। ऐसे मैंने एग्जाम्पल देखे हैं, तो इसमें आपको कोई ऐसा पछतावा करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को ये सीट नहीं मिली। आप अभी भी एमबीबीएस के दौरान बहुत कुछ कर सकते हैं। आजकल तो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स आ गए, पहले ऐसा होता था कि अच्छी कॉलेज नहीं मिलने से, स्टडी अच्छी नहीं होने से स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन आजकल तो एमबीबीएस के दौरान ही इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स आ गए कि आप उनसे भी तैयारी कर सकते हैं। आप एमबीबीएस के दौरान पीजी की तैयारी भी कर लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में पीजी की तैयारी शुरू कर देते हैं। अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे प्रेप लीडर है, मेरो है, ई गुरुकुल है, तो ऐसे बहुत से अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप तैयारी कर सकते हैं, पीजी की भी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि एमबीबीएस के दौरान टॉप कॉलेज तो होती हैं जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की वो ज्यादा फैसिलिटी का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन एक प्राइवेट में एमबीबीएस करने वाला स्टूडेंट भी अच्छी तैयारी करके अच्छा डॉक्टर बन सकता है और वो जल्दी ही पीजी निकाल लेता है, जबकि कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला स्टूडेंट भी पीजी नहीं निकाल पाता है। तो इस बात का आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होना चाहिए कि मेरे को अच्छी कॉलेज नहीं मिली। आप एमबीबीएस के दौरान अच्छी स्टडी करें,
आपका सिलेक्शन पीजी में होगा, आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। मेन मकसद तो हमारा अच्छा डॉक्टर बनने का ही है, और एमबीबीएस के दौरान तो आपको सेल्फ स्टडी करनी ही होगी, और आपके पास में काफी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, तो इसमें कोई पछतावा वाली बात नहीं है। बाकी क्या है, कॉलेजों में फैकल्टी चेंज होती रहती है, एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज में जाती हैं, काफी सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिनमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी स्टडी है, तो आपको ये भी मलाल नहीं करना है कि जिसका अगर प्राइवेट में एडमिशन हो गया तो ये हीन भावना नहीं रखनी है कि मेरा प्राइवेट में हुआ है गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। प्राइवेट और गवर्नमेंट में फर्क बस इतना ही है, पैसे का फर्क है, बाकी और कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं एक अच्छा डॉक्टर अगर आप में जनून है तो। तो ये तो रही बात उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एडमिशन हो चुका है। अभी वो स्टूडेंट जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, नीट 22 की तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी अच्छी तरह से करें, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ ही रखा है, आपको रिवीजन करना है। अभी समय भी 2-2.5 महीने का समय है, ये ही इम्पोर्टेंट समय होता है, इसमें आप अच्छी तैयारी करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जो बॉर्डरलाइन के कैंडिडेट्स हैं जिनको सीट नहीं मिली है, जैसे 580, 570, 500 से ऊपर वाले कैंडिडेट हैं, वो अच्छी मेहनत करके अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। मैंने 2020 में भी देखा है कि 2020 में उनको सीट मिलते हुए रही है, यानी कि वो सोच रहे थे प्राइवेट में लें एडमिशन, क्या लें, कहीं लें या न ले, तो इसमें करते करते उन्होंने 21 का एग्जाम दिया, अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छी कॉलेज मिल गई। तो ऐसा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे को 21 में एडमिशन नहीं मिला तो अभी क्या होगा। अभी आपके पास में अपॉर्चुनिटी है 22 के लिए, अच्छी तैयारी करो। ये आप अच्छी तैयारी के लिए जो आपके बाकी काम से उनको आप छोड़ दो, जैसे शादी ब्याह अटेंड करना, बाकी जो आपके फंक्शन से वो अटेंड करना, वो छोड़ दो, आप इस तैयारी में लग जाओ कि 17 जुलाई को आपको फाइट करना ही करना है और अच्छे मार्क्स के साथ में एडमिशन लेना ही है। आपने देखा होगा जो बॉर्डरलाइन के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक एक मार्क्स भी कितना इम्पोर्टेंट होता है, 3-4 मार्क्स 5 मार्क्स। हालांकि ये तो अभी आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, एक मार्क्स क्या आप 20-20, 30-30, 50-50 मार्क्स का इंक्रीमेंट कर सकते हैं, तो आप अभी मेहनत करें, हो जाएगा, सब कुछ होगा। मैंने ये देखा भी है, प्रीवियस इयर्स में भी देखा है, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो बॉर्डरलाइन पर एडमिशन लेते, एडमिशन छोड़ के फिर उन्होंने तैयारी की है, वो अच्छा कॉलेज लिया है उन्होंने, ऐसा मेरे पास भी एग्जाम्पल है बहुत सारे। तो ये उन दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से कुछ सलाह थी। बाकी आप तैयारी करें, अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आप एमबीबीएस की तैयारी करें, पीजी के लिए एक टारगेट लेके चलें, क्योंकि आजकल तो पीजी के बगैर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पीजी शुरू में आप निकाल लेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर की फर्स्ट ईयर में, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो गया है तो पीजी का टारगेट लेके चले, अगर नहीं हुआ है तो आप नीट 22 की तैयारी करें अच्छी तरह, ताकि आपको कोई धोखा ना हो, कोई मलाल ना हो कि मैं काश थोड़ा सा और पढ़ लेता तो मेरे 4 मार्क्स ज्यादा जाते, 6 मार्क्स ज्यादा जाते, मेरे को ये कॉलेज मिल जाता, वो कॉलेज मिल जाता। तो इस प्रकार से आप एक मेहनत करें, अच्छी तैयारी करें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ये मैंने पिछली बार के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एक वही चैनल है जिसपे एक्यूरेट कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट की है और वो कट ऑफ बिल्कुल एक्यूरेट जाती है। मैं भी ये इस बात को मैं अपने आप पर ईश्वर का धन्यवाद देता हूं, अपने आप के लिए ईश्वर का धन्यवाद देता हूं कि जो भी कट ऑफ प्रेडिक्ट करता हूं उसमें 1 या 2 मार्क्स का ही डिफरेंस रहता है, बाकी वो एक्यूरेट जाती है, क्योंकि मेहनत करके कट ऑफ निकालता हूं सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, और ये एक्सपीरियंस का भी फर्क पड़ता है। मेरा एकमात्र ऐसा चैनल है जिसपे एक्यूरेट कट ऑफ प्रेडिक्ट की हुई है और एक्यूरेट ही कट ऑफ जाती है जो मैंने प्रेडिक्ट कर दी है, प्रत्यक्ष में प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चैनल सर्च करके हर एक राउंड की कट ऑफ देख सकते हैं, 1 और 2 मार्क्स से ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको।
तो दोस्तों ये जानकारी थी, कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशंस थी, कुछ आपके लिए मोटिवेशंस थे। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।